वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। डीके टेक एन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग 01 लोगो प्रोग्रामिंग के बारे में, लर्निंग टू क्रिएट विद लोगो प्रोग्रामिंग, लोगों की सहायता से प्रोग्रामिंग करना। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने लोगों की काफ़ी सारी कमांड के बारे में बताया था, फॉरवर्ड कमांड, बैकवर्ड कमांड, RT राइट टर्न कमांड, LT लेफ्ट टर्न कमांड। इन्हीं सभी कमांड को यूज़ करके हम लोगों प्रोग्रामिंग में ड्रॉ कर पाते हैं। तो अब हम लोगों की सेकंड ऑनलाइन क्लास में आगे बढ़ते हैं रिपीट कमांड की तरफ। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर या वर्ग बनाकर सीखा था कि किस तरह से हम लोगों की कमांड को यूज़ करके स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस बार हम रिपीट कमांड का इस्तेमाल करके एक ही कमांड को इनपुट विंडो में डालकर किस तरह से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो चलो सीखते हैं, रिपीट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। रिपीट कमांड। क्या आपने ध्यान दिया कि स्क्वायर वर्ग बनाने के लिए FD50 RT90 को हमने कुल 4 बार दोहराया, रिपीट किया। ऊपर दिए गए प्रोग्राम को हम रिपीट कमांड की मदद से भी लिख सकते हैं। रिपीट, फिर कमांड को दोहराने की संख्या डालेंगे रिपीट के साथ, और यहाँ पर कमांड जिन्हें दोहराना है वो डालेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो चलिए हम एक्टिविटी करते हैं इसके बेस पर। चलिए हम रिपीट कमांड का प्रयोग कर स्क्वायर बनाएं। नीचे दिए गए कमांड को इनपुट बॉक्स में टाइप करें, रिपीट 4 FD50 RT90। प्रैक्टिस 1। नीचे दिए गए शेप आकृति को पहचान कर प्रश्न के उत्तर दें। ये एक आकृति दी हुई है यहाँ पर, इस आकृति को पहचान कर हम इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। आकृति आप सभी बच्चों ने पहचान ली होगी, ये आकृति रेक्टेंगल की है, आयत की। तो शेप का नाम लिखेंगे पहले यहाँ पर, रेक्टेंगल या आयत हिंदी में। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, सभी भुजाएं बराबर नहीं है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं है। एजिस यानी कोनों पर एंगल का मेजरमेंट क्या है, तो कोनों पर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सारे एंगल हैं इस पे कोनों में। किस तरह के एंगल्स कोनों पर बन रहे हैं, सही उत्तर पर निशान लगाएं। ये जो उसके कोने हैं इस पर किस तरह के एंगल बन रहे हैं, तो इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, सम कोण, ऑब्टूज एंगल, अधिक कोण। जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़े वाले को बोलते हैं ऑब्टूज एंगल यानी कि अधिक कोण। तो अभी हम सभी को दिख रहा है इसमें कि 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो राइट एंगल बना है इसमें, तो इस पर टिक लगाएंगे। ऊपर दी गई शेप आकृति को बनाने के लिए लोगो प्रोग्राम बनाएं, साइड की मेजरमेंट अपनी पसंद से लें और नीचे दी गई जगह में लिखें। तो ये जो ऊपर शेप दी गई है ये वाली, इसकी लोगो कमांड हमें, लोगो प्रोग्राम बनाना है इसका और यहाँ पर लिखना है नीचे। ठीक है, तो इसके अंदर ये मान लीजिए 100 पिक्सल की लाइन है और ये है 80 पिक्सल, फिर ये दोबारा से 100 पिक्सल और 80 पिक्सल। इसका मतलब अगर पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना, हमारा टर्टल यहाँ पर है, तो पहले 80 फॉरवर्ड जाएगा, फिर RT 90 होगा, फिर FD 100 जाएगा, फिर RT 90 होगा, फिर FD 80 स्टार्टिंग वाली जो कमांड थी हमारी, RT 90 और FD 100 RT 90, यानी कि ये और ये दो कमांड हमें रिपीट करनी पड़ेंगी दो बार। स्क्वायर होता तो चारों साइड बराबर होती हैं, तो अगर स्क्वायर होता तो एक ही कमांड को हम चार बार रिपीट कर देते, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं है, ये दो के बाद दोबारा से वही दो रिपीट हो रही है, तो इन दो को हम रिपीट 2 करके ये दो कमांड हम रन करेंगे। तो मैडम कहती हैं क्या आप सही तरह से आकृति शेप बना पाए, तो हम लिखेंगे हाँ। क्या टर्टल दिख रहा है, तो हाँ। टर्टल को छुपाने के लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, तो टर्टल को छुपाने की कमांड मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, HT हाई टर्टल।
रिपीट कमांड के प्रयोग से ऊपर दी गई आकृति शेप बनाए, ये जो शेप है ये बनानी है रिपीट कमांड की प्रयोग से ही। अगली एक्टिविटी 5 है हमारी वृत्त यानी कि सर्कल बनाने के लिए इनपुट विंडो में क्या लिखना है, ये देखो इन्होंने बताया हुआ है रिपीट 360 FD1 RT1 यानी कि FD1 1 पिक्सल आगे बढ़ेगा, RT1 1 डिग्री घूमेगा। तो जैसे 1 पिक्सल आगे बढ़ेगा 1 डिग्री घूमेगा, इस कमांड को 360 बार रिपीट करा दिया है। तो जब ये 360 बार रिपीट हो जाएगा तो ये वापस घूम के घूमते घूमते वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। तो प्रैक्टिस 2 में है सेमी सर्कल, तो अभी घर पे हमें क्या बनाना है, रिपीट कमांड की मदद से सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल में हम कितनी बार रिपीट करेंगे उस कमांड को, 180 बार, क्योंकि 360 में पूरा सर्कल बनाना तो 360 डिग्री का होता है, तो हर एक पिक्सल को एक डिग्री बाद हम घुमाएंगे तो 360 बार घुमाना पड़ेगा। उसी को अगर हम 180 बार तक रिपीट करा दें तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। एक्टिविटी 6 है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न के उत्तर रिक्त स्थान पर लिखें। तो ये चित्र हमने देख लिया, इसमें 6 भुजाएं दी हुई हैं और अंदर का जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो 6 भुजाएं वाला होता है हेक्सागन, ठीक है, षटकोण। अब शेप का नाम, आकृति का नाम क्या लिखेंगे, षटकोण या हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, यस। एजिस, कोनों पर एंगल का मेजरमेंट माप क्या है, 60 डिग्री। किस तरह के एंगल कोनों पर बन रहे हैं, सही उत्तर पर निशान लगाएं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल या अधिक कोण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, 60 डिग्री है तो एक्यूट एंगल। ऊपर दी गई शेप आकृति को बनाने के लिए लोगो प्रोग्राम बनाएं, साइड भुजाओं का मेजरमेंट माप अपनी पसंद से लें और नीचे दी गई जगह में लिखें। तो हमें अब इस षटकोण का लोगो प्रोग्राम बनाना है। तो 6 भुजाएं हैं तो रिपीट 6 लिखेंगे, रिपीट 6। उसके बाद कमांड क्या लिखेंगे, FD60 RT60 ही बार बार 6 बार ही रिपीट हो जाएगा और हमारा षटकोण बन जाएगा। जैसे ही वो फॉरवर्ड 60 पिक्सल जाएगा फिर वो 60 डिग्री पे मूव कर देगा, फिर उसको 6 बार रिपीट कर दिया हमने, फिर वो 60 पिक्सल आगे बढ़ेगा, 60 डिग्री मूव कर देगा, इस तरह से पूरा षटकोण बना के वो रुक जाएगा। ठीक है, तो रिपीट कमांड के प्रयोग से ऊपर दी गई शेप बनाएं और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। तो प्रैक्टिस 3 है हमारी, इसमें रिपीट 5 FD120 RT144 कमांड से क्या आउटपुट मिलेगा, नीचे दिए गए स्थान में आउटपुट बनाएं। अब ये FD120 फिर 144 डिग्री घूमना है राइट में, फिर 120 चलना है, फिर 144 डिग्री घूमना है। तो आपको डी की सहायता से और स्केल की सहायता से ये वाली जो आउटपुट है अपनी कॉपी में बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिंट कमांड, कैलकुलेशंस यूजिंग प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड का प्रयोग कर गणना करना। लोगों की PR या प्रिंट कमांड से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इस कमांड का आउटपुट कमांड विंडो में दिखाई देता है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं इसमें, एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 7 है, एक्टिविटी 3 में हमने स्क्वायर या वर्ग बनाया था जिसकी साइड्स भुजाओं का मेजरमेंट 80 पिक्सल था। चलिए उसका एरिया यानी कि क्षेत्र और पेरीमीटर यानी कि परिधि निकालें। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या है, साइड गुणा साइड, और वर्ग का पेरीमीटर निकालने के लिए 4 गुणा साइड। तो कंप्यूटर में गुणा करने के लिए कीबोर्ड से क्रॉस दबाते हैं हम, ये स्टार दबाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब लोगो कमांड के अंदर प्रिंट कमांड से कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इनपुट बॉक्स में नीचे दी गई कमांड टाइप करें, प्रिंट 80*80 या PR80*80। स्टार यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं अब अगली बार से मल्टीप्लाई बोलूँगा इसको, 80*80। एंटर या एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए प्रिंट 4*80 या PR4*80। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, 8*4=32 यानी कि 320 आएगा इसका पेरीमीटर, और 8*8=64 और 20 ये तो 6400 इसका एरिया आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस 4 में क्या है, एक्टिविटी 6 और P1
प्रैक्टिस वन में बनाई गई शेप का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए कमांड लिखें। मित्रों, लोगों की प्रिंट या पीआर कमांड से हम मुश्किल गणना भी झटपट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 6 में जो हमारी आकृति थी उसका प्रिंट कमांड से हम उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब ये एक्टिविटी 8 है। एक्टिविटी 8 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करें और रिक्त स्थान में 1 और 2 के उत्तर को समझाएं। तो प्रिंट यानी कि पीआर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 259 × 25 + 560/12 इसका आउटपुट निकालना है। और दूसरा है 259 × 25 + 560/12 इसका आउटपुट निकालना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों ब्रैकेट में है यहाँ पर और ये इससे डिवीज़न में है और ये दोनों प्लस में है। इस वाले में क्या फ़र्क है, ये तीन टर्म हमारी ब्रैकेट में है और पूरा जो है 12 से डिवाइड करना है। तो बोर्ड मास के थ्रू हमें पहले मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर यहाँ पे डिवीज़न होगी, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाएगा। ऐसे ही बोर्ड मास के थ्रू पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसको फिर प्लस करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे 12 से, उसका आउटपुट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आएंगे तो उसका कारण हम बता देंगे कि बोर्ड मास के थ्रू। बोर्ड मास सभी बच्चों को पता होगा, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम में हमें मैथ के जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आपकी सारी एक्टिविटीज़ में हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम इम्पोर्टेंट नोट्स और इसकी लास्ट की एक्सरसाइज करेंगे। तो किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और सभी बच्चों को समझ में आ जाए तो भी वो कमेंट करके बता सकते हैं अपने व्यूज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।